हा कोण आहे? बुड्ढा आहे रावत, बघ जरा. ओ बाबा, काय झालं? सब ठीक आहे क्या? अंकल, 2 बज गए, घरी जाऊन झोपा. पूरा देश घूम चुका हूँ, कोई स्टेट या शहर नहीं बचा जहाँ मेरे पिताजी का ट्रांसफर नहीं हुआ. बस 2-4 मिनट लूंगा, उम्र का लिहाज करके सुन लीजिएगा. भारतीय रेल में टीसी थे मेरे पिताजी, और मेरी मां एक हाउसवाइफ. 20 साल का था जब पिताजी का ट्रांसफर मुंबई में हुआ. तब ये बॉम्बे था. यहां आते ही इस शहर से मुझे मोहब्बत हो गई, लव एट फर्स्ट साइट. पर कई सालों तक मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिर वो क्या चीज है इसने मुझे हमेशा के लिए यहां रोक के रखा. पिताजी का ट्रांसफर तो दूर की बात, यहां तक कि मेरे गांव की जमीन का बंटवारा भी मुझे यहां से हिला नहीं सका. फिर मैंने काम संभाल लिया, घर बसा लिया, बहुत कुछ बदल गया. बॉम्बे से ये शहर मुंबई हो गया. मैं एक टीचर से रिटायर्ड टीचर बन गया, लेकिन मेरा प्यार नहीं बदला, वो कम नहीं हुआ. आखिर क्यों? और आज 45 साल के बाद मुझे ये बात समझ आ गई. जब मेरा 12 साल का पोता 6 किलोमीटर साइकिल चलाकर शाम के 8 बजे ट्यूशन से घर वापस आया, और ठीक 2 घंटे के बाद 10 बजे मेरा 47 साल का बेटा 4 घंटे ट्रैफिक से जूझते हुए, ऊपर से नीचे भींगे हुए, सही सलामत ऑफिस से घर पहुंच गया. और आधे घंटे पहले रात के 1:30 बजे मेरी 20 साल की पोती शॉर्ट्स पहने हुए लोकल ट्रेन से पार्टी मनाकर सुरक्षित घर वापस आई. सपनों के शहर में मिलके रहते लाखों ख्वाब, इसके खूबसूरती से जलते हैं कोई दाऊद तो कोई कसाब. पर सुरक्षा की जो शपथ ली आपने, उसे बखूबी निभाते हैं आप. दिवाली में पटाखे फोड़े तब, या ईद में तोड़े रोजा सब, आता है मन में ये सवाल तब, मिलता है आराम आपको कब? आपके अनगिनत कुर्बानियों का आदर करने में न बचे अल्फाज. कामते सालस्कर करकरे समेत, आप जैसे वीर जवानों पर हमें दिल से है नाज. डटे रहे अपने कर्तव्यों पर जो, न छोड़े अपने शहर का साथ. सेवा से सुरक्षा तक, मुंबई पुलिस दिन और रात. गाली देने वाले तो बहुत हैं आपको, पर थैंक यू बोलने वाला कोई नहीं. I'm gonna make it.
दागी दागी दागी